सबसे पहले ये बताओ आप लोग, सोनू भैया मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो बताओ। हाँ जी महक आ जाओ आप। तो सबसे पहले ये बताओ आप सब कि मेरे वीडियोस कैसे लग रहे लग रहा है, तो बताओ कि अच्छा लग रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। अरे मैंने ऐसी रैंडमली मैसेज कर दिया, मैंने कहा इसको तो दिखेगा ही नहीं मेरा मैसेज, फिर भी मैंने कर दिया। और कैसे हैं घर में सब? अरबाज भाई की तबीयत ठीक हो गई? हाँ अभी अरे मैं ना बोल, पता कॉल करने को सोच रही थी बट थोड़ा बिजी थी ना, इस वजह से कॉल भी नहीं कर पाई। लोग कहीं गए हो ना बाहर? नहीं, हम तो आ गए हैं अभी, तो देहरादून में ही है अभी 1-2 दिन। और यार पता है मेरा ना अकाउंट ही फ्रीज हो गया, पता नहीं क्या हो रहा। पता है मेरा अकाउंट ना पूरा माइनस में जा रहा ऐसा है। ऐसा क्यों? ज्यादा ट्रेन सीटर कर लिया इसी, वही चीज, अब मैंने काम नहीं करूंगी। यार ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये पूरा फेक है, नहीं करना चाहिए। हाँ यार पता है अब थोड़ा दुख सा हो रहा, मैंने कहा क्यों करा। मैंने जब पहली बार किया था उसके बाद जो सुना फिर मैंने बोला भाई नहीं करना। अब नहीं करूंगी। और तुम लोग तो कब आ रहे हो देहरादून, कब आ रहे हो? वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, पता है ट्रेन सीटर के बाद किसी ने तो मुझे टैग किया मुस्कान के फोटो देकर कि इसने मेरा पैसा खाया दिया नहीं अभी तक। कौन? मुस्कान भी तो ये प्रमोशन कर रही थी ना मुस्कान नहीं करती, मैं ही करती हूँ, मुस्कान नहीं करती हूँ, पहले बहुत पहले करती है। मैंने पहले पता किया था, तो उसको उसका मुझे टैग करके मैसेज आया कि इसने मेरा पैसा खाया, आप इसको जानते हो, इसको बोलो कि मेरा पैसे दे। नहीं यार, ऐसे नहीं करते हम लोग। अरे बहुत सारे लोग ना ऐसे झूठ झूठ भी बोलते हैं फालतू में। अब क्या पता, मुझे मेरे पास आया था वो, मुस्कान को भी बोला था ये बात, तो ये सारी प्रमोशन अब मत कर नहीं तो जाएगा पूरा आईडी। नहीं करूंगी यार, अब बहुत दुख हो रहा। नहीं, ये फेक प्रमोशन नहीं करना चाहिए। हाँ अरे यहाँ पे मेरे को कमेंट्स की क्यों नहीं शो हो रहे किसी के? तुम्हें हो रहे क्या? ऑफ कर रखा है क्या कमेंट्स? तुम्हें हो रहे हैं क्या? मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे उधर से कुछ होगा, चेक करो। सब पता नहीं। और सब ठीक है? ठीक मुस्कान? काम पर हो भी? क्या? मैं तो अभी घर पे हूँ। मुस्कान कहाँ? मुस्कान बाहर जा रही है। बाहर गई है? अच्छा वीडियो बनाने। वीडियो बनानी नहीं है शायद, पता नहीं बाहर जा रही कि मैं भी बस जिम जा रही थी, मैंने पता है जिम ज्वाइन कर लिया। बहुत ही क्या ज्यादा हेल्थी है। जिम? क्या? जिम बंद नहीं है? नहीं जिम तो खुल रखा है, यहाँ तो लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं है, बस दिल्ली वगैरह में है, यहाँ तो है ही नहीं कुछ कोरोना। हमारे यहाँ पूरा बंद कर दिया जिम, सब यहाँ पर तो सब खुला है, बढ़िया, कुछ भी सब बंद। कुछ नहीं है। अच्छी बात है, यहाँ पे सब बंद है। सैड। कल कल जिया का बर्थडे था, उसकी पार्टी थी, उसके पहले मेरा 8 मिलियन का पार्टी थी। इतना जाए। जल्दी में सब कुछ करना पड़ा क्योंकि 10 बजे के बाद हमें निकाल देगा वहां से। अच्छा अरे बीच में जब हम थे ना दिल्ली में, तब हम भी गए थे क्लब गए थे, तो वहां पर भी ऐसी फटाफट फटाफट, अरे पता है हमने पूरा टेबल बुक करा और कुछ भी नहीं हुआ वहां पर, पता है 12 बजे पहले भगा दिया, 11 बजे गए, 12 बजे खत्म। हमने 2 बारी पूरा होटल बुक किया, मेरे 8 मिलियन के टाइम हम खाना भी नहीं खा पाए। उन्होंने बोला कि आप पैक करके घर लेके जाओ नहीं तो पुलिस आ जाएगी 10 बजे के बाद। तो हमने सब पार्टी वार्टी करके खाना पैक करके घर लाए फिर खाया क्योंकि 10 बज चुके थे। न्यू ईयर में तो ज्यादा कर रहे थे, न्यू ईयर में तो हमें पुलिस ने पकड़ भी लिया था, फिर वही यार मैं तो, हम गोवा पे थे वहां पे कुछ ऐसे इशू था नहीं, जब वहां से आ गए फिर पता चला वहां भी लॉकडाउन लग गया। अरे तुम्हारे कश्मीर में भी तो लग गया था, जब कश्मीर गए थे ना हाँ लोग फंस गए थे बेचारे। हाँ हम लोग या आप? आप लोग कश्मीर गए थे जब, अभी जब बर्फ नहीं, पड़ी? हम लोग फंसे थे गुरेश पे, वहां पे बर्फबारी होने वाला था इसीलिए गुरेश से निकालने नहीं देगा। ऐसे कश्मीर में ठीक है पर गुरेश में ऐसा प्रॉब्लम होता है।
जाएंगे, जाने का मन है अब, इंशाल्लाह कश्मीर जाएंगे इसके बाद। बहुत अच्छा जगह, इतना सुंदर, इतना मजा है। चलो सही यार, बस भाई भी मस्त घूमते रहते हैं। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ की स्टोरी, थोड़ी देर बाद वहाँ की स्टोरी। मैंने कहा चलता इनका कहा है, फैंस लोग सोचते होंगे अच्छा ब्यूटी यहाँ है और वहां जाते होंगे मिलती नहीं। ऐसा ही होता है। पर अभी सोचा कि अभी कहीं नहीं जाएंगे, अभी पैसे बचाने हैं, बाद में जाएंगे फिर। होगा ही नहीं ऐसा। अभी कुछ टाइम बाद हमारे भी कोशिश चंडीगढ़ करेंगे, जोर से कोशिश है कि अभी कहीं नहीं जाएंगे, कोशिश करें घर पे रुके। अभी हाँ, और मम्मी वगैरह सब सब ठीक है, अभी सब खाना खा के उठे। तुम अच्छा। आना तुम लोग देहरादून, आना जब आओगे। देहरादून तो बहुत अच्छा है, कश्मीर कुछ कभी पता पता नहीं रहता, जब स्टोरी देखती हूँ यहाँ पे या स्टोरी देखती हूँ वहां पे, हम तुम लोग खुद लोग नहीं कभी रहते। हम लोग पता है मम्मी बुला रही थी कि आ जाओ, मम्मी का मन नहीं लगता, फिर हम लोग आए, बट अब हम लोग भी फिर से जाने ही वाले, अब देखते कब तक जाएंगे। हाँ, तुम लोग भी तो ज्यादा रहते हो दिल्ली या चंडीगढ़, है ना? हाँ वही हम लोग। गोवा कितने बार गए हो तुम्हें? एक ही बार तो गए थे, साथ गए थे सब लोग जब। अच्छा, वही पहली बार था। बैंगलोर गए तुम? बैंगलोर कितना प्यारा सिटी है, बहुत हाँ ज्यादा गए प्यारा। थे एक। चलो अब शोर फिर, सबके। चलो ठीक है, तुम भी एंजॉय करो। चलो बाय बाय बाय, टेक केयर। बाय। ये थी महक, मुस्कान की छोटी बहन। पर ये सबको पता नहीं होगा, मैं बता रही हूँ, महक है मुस्कान के छोटी बहन और मुस्कान है बड़ी। नहीं, महक बड़ी है, महक छोटी है। मुझे पहले लगता था कि मुस्कान छोटी है, महक बड़ी है, पर ये उल्टा है। तो चलो अब किसी और से बात किया जाए। आज का वेदर इतना ज्यादा खराब है, बता नहीं सकती। इस वेदर पे कुछ अच्छा नहीं लगता है, बस सोने का मन करता कि आराम से सो जाओ। ये बस मुझे नहीं, आप सबको लगता होगा कि घर पे आराम से पकोड़े खाओ और सो जाओ, जैसे मेरा कोकोस हो रहा है अभी इस वक्त। आप लोग देखना चाहोगे, इसी तरह का मन करता है। कोको देखो, मेरा कोकोस हो गया। ऐसा वेदर में कौन नहीं सोना चाहेगा, मेरा कोकोस हो गया। मुझे थोड़ी सी ठंड भी लग गई। यहाँ पे अभी बहुत ठंडा है, कोलकाता पे बहुत ज्यादा अभी ठंड लग रही है। दो रात को गर्म लगता है, दिन में ठंड लगती है। ये भी रेगिस्तान बन गया। क्या करूं मैं, किसी को ऐड कर लूं? पर गाइस, मेरी एक प्रॉब्लम होती है छोटी सी, कि मेरी आईडी में किसी को दिखता नहीं है ऐड करने के टाइम। किसको ऐड करूं, मैसेज करूं? मुझे दिख नहीं रहा। मैसेज करो जिसको ऐड होना है। जुदा हो के भी तो मुझ में कहीं बाकी है। अरे यार, मुझे नहीं दिख रहा, आप मैसेज करो जल्दी जल्दी। अरे घूम क्यों जा रहा है? अब तो आदत है। आप लोगों ने किसने किसने मेरा नया नया वीडियो देखा, जल्दी बताओ। और कल था जिया का। हाय शायरा। और कल था जिया का बर्थडे, वहां पे फुल टू एंजॉय हुआ हम लोगों सबका। पर वहां पे भी यही प्रॉब्लम हुआ कि जल्दी जल्दी घर जाओ जल्दी। वहां पे इसीलिए वीडियो भी नहीं बना पाए हम सब ने, जिया भी नहीं बना पाई इस चक्कर पे।
जल्दी जल्दी घर आने के चक्कर में, जल्दी जल्दी सबको खाना खिलाने के चक्कर पे, 10 बजे के बाद कुछ नहीं, सीधा घर जाओ और सो जाओ। नहीं, नाम दिखा रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हेलो मैम, हेलो, मैम आप कहाँ से हैं? मैम आप कोलकाता में हैं क्या अभी? हाँ जी, आप मैम आपसे पूछ सकते हैं मैम आप कहाँ हैं कोलकाता में? हम भी मैम कोलकाता में ही है मैम। मैं घर पे हूँ अपने। प्लेस मैम प्लेस मैम क्या? मैम आपके साथ एक स्क्रीनशॉट, हाँ मैम आपके साथ एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैम। ठीक है मैम रुकिए, ठीक है मैम। और मैम कहाँ कैसे हो मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे बताओ? मैम हम लोग भी ठीक है मैम, हम लोग का इधर भी लॉकडाउन लगा हुआ है कलकत्ता के कहाँ से हो? मैम। हम दमदम से हैं मैम, दमदम अच्छा, एयरपोर्ट का सामने मैम, एयरपोर्ट एयरपोर्ट का सामने है हम भी कलकत्ता के से। मैम। आप कहाँ पर रहते हो मैम? हम न्यू टाउन में रहते हैं। हाँ मैम न्यू न्यू टाउन, टाउन जा हाँ हाँ मैम एरिया जानते हैं मैम, न्यू टाउन एरिया जानते हैं मैम। सकते, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। हाँ मैम मैं बस बोल सकती हूँ कि मैं न्यू टाउन से हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। आप भी समझो थोड़ा, क्योंकि ठीक है मैम, ठीक है मैम। पता और है क्या मैम हुआ था, क्योंकि हम एक फ्लैट पे रहते हैं तो नीचे गार्ड हाँ रहता मैम है, तो इनसे बहुत लोग आए, मतलब गार्ड से बोल बोल के चले गए। लेकिन परसों क्या हुआ, दो लड़का आया, उनके दिमाग इतना खाया इतना खाया, वो लास्ट में वो गार्ड के साथ हमारे रूम तक, कि उन्होंने गार्ड को इतना ओह पागल कर दिया, मतलब उनको लाना ही पड़ा। तो कोविड का टाइम है, मैं भी हाँ थोड़ी मैम सी डांट कोविड का तो गई। मैम केस बहुत आ रहा है मैम। हाँ, तो डांट मिली कि आप ये सब मत करो, फिर उनको भी समझाए कि हम क्या कर सकते हैं अगर कोई बाहर से आए तो। हाँ मैम ये भी जरूरी है मैम, हाँ, तो ये थोड़ा मसला हो जाता है हमारे साथ। और तो कोविड केस भी तो मैम बहुत बढ़ रहा है मैम। और ओके मैम, और मैम चलो, आप सब ठीक? बाय मैम, सब ठीक। बाय मैम। आप भी ठीक रहो, आपकी फैमिली भी ठीक रहे। बाय। ओके मैम, ओके मैम, बाय मैम, बाय मैम। टन 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 टन। सुना हमारे साथ क्या हुआ था, हमें गार्ड से डांट मिल गई। पर हम क्या कर सकते अगर कोई गार्ड को पागल कर दे तो? ये उनकी ड्यूटी है, हमारी थोड़ी ना है। पर फ्लैट के गार्ड बहुत अच्छे, वो सब हैंडल कर लेते हैं सब कुछ। पर उनको इतना पागल कर दिया गया कि उनको लाना ही पड़ा। हाँ।